मॉर्निंग, शुभ प्रभात। होटल से निकलकर पैदल ऑफिस तक चल रही हूँ। 15 मिनट का रास्ता है तो जल्दी जल्दी पहुँचूँगी। मैं एक दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक होने वाला है इसलिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उम्मीद है कि ओलंपिक शुरू होने से पहले ये कंप्लीट हो जाए। लंच टाइम है, आज मैं कलीग के साथ लंच खाने के लिए जा रही हूँ। उसी रेस्तरां मेरा फेवरेट है तो मैं दिखाऊंगी कि क्या खा रही हूँ, ठीक है।壊して、はい、そうなんだ、すごい進んでますね。信号を過ぎればまた後ろが向く。あ、そうなんですね、はい、आज टोक्यो वीकेंड आर नामक एक मीडिया का इंटरव्यू है मेरा, तो अब इसके ऑफिस में जाऊंगी और कुछ इंटरव्यू दे दूंगी। अच्छा है ना। ऑफिस कहाँ है? ये मेरे लिए पहली इंटरव्यू है तो टोक 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 करूंगी। इंटरव्यू खत्म हो गया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे लोग थे और इंटरव्यू करने वाले, तो बहुत मज़ा आया और पिक्चर फोटो लिया। वो मैगजीन अक्टूबर या नवंबर में रिलीज होने वाली है, जब वो आएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने बोल दिया कि क्यों मैं YouTube, क्यों मैं हिंदी बोलती हूँ, क्यों मैंने वो पढ़ाई की हिंदी की और उसके बाद क्यों मैं YouTube करती हूँ, एडिटिंग भी अकेली करती हूँ, ऐसी वो YouTube से रिलेटेड बातें मैंने बोल दिया। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ, YouTube करती हूँ और उसी सपोर्ट्स को लेकर फिर वीडियो बनाती रहूँगी, ठीक है। हाँ, तो वैसे आप शिंजुक में पैदल चल रही हूँ। शिंजुक बहुत बहुत ही दुकानें हैं और अब 7 बजने वाले हैं, इसलिए बहुत लोग बाहर खाना खाने के लिए और शराब पीने के लिए लोग हैं। मैं यूनिक्रो जाके टेंकिना को टी शर्ट खरीदना चाहती थी और जब पैसे देने वाली थी तब मुझे पता चला कि मेरा वॉलेट नहीं था, तो इससे पहले यहाँ पे टॉयलेट में गई तो मुझे लगा कि टॉयलेट में भूल गई होगी, तो मैं दौड़कर यहाँ तक वापस आई और एक केवी
लोग से पूछा कि कोई वॉलेट नहीं था क्या, तो उसने कहा हाँ था, किसी ने टॉयलेट का वो वॉलेट देखकर वो यहाँ काम करने वाले को दिया था। अब मुझे अपना वॉलेट मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी हो मेरा वॉलेट बचाने के लिए धन्यवाद। बहुत पसीना आ रही है। हाँ, और टैंकिनो को टी शर्ट खरीद नहीं सकी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था ना। चलो, यूनिक्रो टोक्यो में बहुत हैं तो अलग यूनिक्रो में खरीदने की ट्राई करूँगी, ठीक है। लिखना लिखना ते काक ですね, काक लिख सकते हैं, काक कोटो गा देकिमासु का। मैं कभी कभी जापानियों को हिंदी सिखाती हूँ। अब रात को 1 बजा है, अभी अभी क्लास खत्म हो गई, चलो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, यहाँ वीगन रेस्टोरेंट है इसलिए सब वेजी है। टोक्यो में कई वेजिटेरियन और वीगन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा सा महंगा है। लड़कियां सुंदर होने के लिए वीगन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। खाना बहुत अच्छा था, थोड़ा सा स्पाइसी था ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छा था। और डिज़र्ट भी खा लिया। ये वीगन क्रीम लेमन केक है, बहुत अच्छा था। वीगन है इसलिए अंडा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। I'm thinking about asking the yellow one. Okay. But anyway, okay. Now, let's start. So I'm gonna say that, you know, Namaste, mere kamre mein aapka bahut bahut swagat hai, kind of thing. Yeah. So you can just, you know, I just say, yeah, smiling. Okay, let's start. Namaste, mere kamre mein aapka bahut bahut swagat hai, mera naam Mayo hai. Maine Tokyo University ke student se इंटरव्यू किया है कि टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए या कोई भी जापानी स्कूल्स में जापान में पढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, या कौन से प्रोसेसेस होते हैं, या जापान में रहना कैसा होता है, स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है, ऐसी चीज़ें मैंने पूछा है। तो इसी इंटरव्यू के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी ताकि पूरा इंफॉर्मेशन आराम से मैं दे सकूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे, मतलब ने बाय बाय। अब ओसाका से टोक्यो जाने वाली हूँ। शिंकानसेन से जाऊंगी, 2 घंटे का रास्ता है। तो आज अभी अभी मैंने टिकट खरीदा और फटाफट दौड़ के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। तो चलो ओसाका चलते हैं। यहाँ गेस्ट हाउस है डोमिट्री, इसलिए दूसरी लड़कियों के साथ एक कमरे को शेयर करती हूँ। लगता है सब लोग सो रहे हैं, 11:30 हैं अब, तो मैं चुपचाप नहा के सो जाऊँगी। टॉयलेट और शवर रूम अलग से होते हैं, ऐसा है। ओयास्मी, बाय बाय।